असलम एव वी वन होप यू आर डूइंग वेल सो वी आर बैक विद इस्लामिक स्टडीज सीरीज़ तो हम अपने सेक्शन नंबर फ़ोर पे हैं जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो अब तक हम आपको पता है कि इंट्रोडक्शन टू इस्लाम सीरा ऑफ द प्रॉफिट और ह्यूमन राइट्स को डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन है और इससे जो आगे है वो भी इस्लाम का इम्पेक्ट ऑन वेस्ट तो ये जो दोनों सेक्शन हैं सेक्शन नंबर फोर और फाइव ये काफ़ी को रिलेटेड है तो so पहले हम सेक्शन नंबर फोर डिस्कस करते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर तो इसमें एफ चाहता है कि एसपरेंट को पता हो कि इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या है और इस्लामिक कल्चर क्या है आपको पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या फ़र्क है क्या मतलब इनकी डेफिनेशन है क्या मतलब होता है सिविलाइजेशन का और सिविलाइजेशन के क्या वाइटल एलिमेंट्स होते हैं कल्चर के क्या वाइटल एलिमेंट्स होते हैं कल्चर किन चीज़ों से मिलकर बनता है सिविलाइजेशन किन चीज़ों से मिलकर बनती है फिर एफ पी जाता है कि एस्परेंट को पता हो कि क्या रोल होता है सिविलाइजेशन का इन डिवेल्पमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनलिटी एंड इन द डिवलपमेंट ऑफ कम्यूनिटी सिविलाइजेशन क्या रोल प्ले करती है फिर एंड पे हमें पता होना चाहिए कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन के तो जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पी ने बता दिए हैं उसको पता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन के बेसिक टैनट्स अगर हम कहें तो उसमें तोहैद सेल्फ प्योरीफिकेशन डिग्निटी ऑफ मैन इक्वालिटी सोशल जस्टिस मॉरल वैल्यूज़ टॉलरेंस रूल ऑफ लॉ तो तौहि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सेक्शन में जो हमारी फर्स्ट वीडियो है सेल्फ प्योरिफिकेशन डिग्निटी ऑफ मैन इक्वालिटी पे हम बात कर चुके हैं ह्यूमन राइट्स में सोशल जस्टिस मॉरल वैल्यूज टॉलरेंस में हम बात करेंगे जो हमारा है कि एक्सट्रीमिज्म के इस्लाम किस तरह खिलाफ है जिसमें हम टेररिज्म की बात करेंगे एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे वहाँ पर मेन जो पॉइंट होगा जो बेस होगी वो टॉलरेंस होगी फिर हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो हम इस्लामिक जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर फोर विच इज़ इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो सबसे आप पहले आपको पता होना चाहिए कि कल्चर क्या, क्या होता है एक बहुत कॉमन सा वर्ड है हम कहते हैं हमारा कल्चर तो बेसिकली कल्चर का मतलब होता है कि एक लोग कुछ लोग जो एक जगह पे रहते हैं उनके जो शेयर्ड बिलीव्स जो एक जैसी चीज़ों को मानते हैं एक जैसे उनकी वैल्यूज़ एक जैसे उनके कस्टम्स एक जैसे उनके बिहेवियर्स एक जैसे उनके आर्टिफैक्ट्स ये सारे क्या होता है ये उस जगह का कल्चर होता है तो हमारा कल्चर क्या है हमारी वैल्यूज़ हमारे बिलीव्स हमारे कस्टम्स हमारे बिहेवियर्स और हमारे आर्टिफैक्ट्स कल्चर बेसिकली आपको बताता है वे ऑफ लाइफ हमारे जो ट्रेडिशंस हैं हमारी जो आर्ट है लैंग्वेज है हमारा जो रिलीजन है हमारी जो सोशल इंट्रेक्शन है ये सारी क्या होती है कल्चर का पार्ट है और जो हमारा कल्चर है वो पास डाउन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कल्चर बेसिकली शेप करता है कि इंसान दुनिया को कैसे देखेगा मेरे कल्चर ने मुझे बताया है कि कुछ भी अगर आपका पेट्रियार्कल कल्चर है तो पेट्रियकल हमेशा नेगेटिव वर्ड नहीं होता पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है आपने उसको यूज़ कैसे करना है वर्ड अगर आपका कल्चर है तो आपको पता होगा कि जो मेल है उसके वो डोमिनट है फीमेल डोमिनंट नहीं है अगर आपका कल्चर पेट्रियारकल है तो आपको पता होगा कि फीमेल डोमिनट है तो किसी ने दुनिया को कैसे देखना है ये उसका कल्चर बताता है अगर मैं एक पेट्रियारकल सोसाइटी में ग्रो अप होंगी तो मैं इस चीज़ को मानूंगी कि जो हर मेल है उसको वो डोमिनंट है और मैं, जो फीमेल है वो उसकी है तो ये मेरा कल्चर ही मुझे बताता है और कल्चर आपको बताता है कि आपने दुनिया को कैसे देखना है सेम गोज फॉर मेट्रीआरिकल सोसाइटीज़ कल्चर आपको बताता है आपने कम्युनिकेट कैसे करना है इंटरेक्ट कैसे करना है विद इन द कम्युनिटी कल्चर एक कम्पलेक्स और मल्टीफिसटेड कंसेप्ट होता है जो बेसिकली डिफाइन करता है आइडिया आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कि एक ग्रुप है पाकिस्तान के लोग हैं या पंजाब के लोग हैं या सिंध के लोग हैं या लाहौर के लोग हैं उनका जो कल्चर है वो डिफ़ाइन कर देगा हम सिर्फ बताएंगे ना इनका ये कल्चर है तो उससे है हमें पता चल जाएगा एक दो चार बंदों का कल्चर देख के कि ये सब लोग फिर इसी वे से बिहेव करते हैं यही इनके कस्टम्स हैं यही वैल्यूज है अब हमें पता होने चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या है कल्चर सिविलाइजेशन तो हमें फिर अब हम अभी हमने कल्चर को इन जनरल डिस्कस किया है हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस्लामिक कल्चर को तो इसी तरह हम सिविलाइजेशन को इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं पर आगे हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन को इन डिटेल तो बेसिकली सिविलाइजेशन क्या है सिविलाइजेशन एक एडवांस स्टेज है ह्यूमन सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की जिसमें जो आपका सोशल डेवलपमेंट और आपकी कल्चरल डेवलपमेंट करेक्टराइज होती है बाई कम्पलेक्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स जब एक जगह के लोग हैं एक रिलीजन के लोग हैं एक बिलीफ के लोग हैं एक कल्चर के लोग हैं लेकिन उनकी जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो इस तरह करेक्टराइज हो गई है कि अब वो एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन है हम कहते हैं ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये सिविलाइजेशन है ये ग्रीक सिविलाइजेशन है, है, है ये इस्लामिक सिविलाइजेशन है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यूरोपियन सिविलाइजेशन है तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी सिविलाईजेशन आई और रही और अपना नाम छोड़ के बेसिकली जो सिविलाइजेशन है इसमें जैसे कल्चर में हम जो चीज़ें देखते हैं वह एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जो आपके बिहेवियर को शेप करते हैं लेकिन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें कुछ फिजिकल चीज़ें भी होती हैं जिनकी बेस होती है जैसे कि इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज सिटीज़ जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका राइटिंग सिस्टम आपका लीगल और पोलिटिकल इंस्टीट्यूशनस कल्चरल एंड आर्टिस्टिक अकम्पलिशमेंट आपकी क्या बताती हैं कि ये एक सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं सिविलाइजेशन ऑफर रिप्रेजेंट करती है लार्ज कम्पलेक्स सोसाइटीज विद हाई लेवल ऑफ कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन तो अब हमने देखना है कि बेसिकली कल्चर और सिविलाइजेशन में फर्क क्या होता है तो अगर हम इन जनरल देखें तो कल्चर क्या है एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ है एक ग्रुप ऑफ़ पीपल का एक ग्रुप ऑफ़ लोगों का जो स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ है जैसे मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जो हमारे बिहेवियर को हमारे वे ऑफ लाइफ को शेप करते हैं इसमें हमारे बिलीव्स हमारे कस्टम्स और हमारी प्रैक्टिस आती हैं मतलब कि हमारे एक्शन आते हैं उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे बेस होकर लेकिन सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड एक एडवास स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी की इसमें हमारी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं बिल्डिंग्स आती हैं सिटीज है, आती हैं, हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स आती हैं। तो कल्चर और सिविलाइजेशन की स्टडी क्या है कम्पलेक्स एंड मल्टीडिस फील्ड है और इसमें हम डीपर डेवेलप करते हैं तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन सोसाइटीज कैसे कैसे इवॉल्व हुई तो अगर हम देखें कि क्या रोल रहा सिविलाइजेशन का इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड कम्युनिटी एक जनरल बात है कि सिविलाइजेशन कैसे रोल प्ले करती है किसी ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करने में और कम्युनिटी को डेवलप करने में तो बेसिकली हमें पता है कि सिविलाइजेशन बहुत ग्रेट रोल प्ले करती हैं इन शेपिंग द ह्यूमन पर्सनैलिटी ये इंडिविजुअल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं उसकी वैल्यूज का उसके नॉर्म्स का उसके एथिक्स का मतलब कि सिविलाइजेशन का क्या होता है एक कल्चर होता है इसके अलावा ये क्या करती है फॉस्टर करती है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को जैसे आपको पता है हमारी गोल्डन एज जैसे आपको पता है हमारी अबासिद खालिफेड जैसे हमें पता है हाउस ऑफ विजडम इसी तरह ये इंक्रेज करती है क्रिएटिविटी एंड नर्चर करती है इम्पथी एंड कम्पेशन कम्युनिटी लेवल पे जो सिविलाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड शेयर्ड वैल्यूज़ शियल फॉर सोशल कोहिजन एंड हारमोनी इसके अलावा सिविलाइजेशन क्रिएट करती है प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन कल्चरल एक्सचेंज एंड इनोवेशन इनिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पर्सनलिटी को भी ग्रो कराती है कि उसकी इंटलेक्चुअल ग्रोथ उसकी क्रिएटिविटी और उसकी नर्चर करती है उसकी एम्पथी को तो जब एक बंदा इंटलेक्चुअली ग्रो करता है दो बंदे इंटलेक्चुअली ग्रो करते हैं दस बंदे इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं तो एक सोसाइटी इंटलेक्चुअली ग्रो करती है तो एक बंदा

अब हम हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो ये चौदह सौ साल में इस्लामिक सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुई इसका हम एक बर्ड आई व्यू लेंगे तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें इस्लामिक सिविलाइजेशन तो इसमें तोहैद सेल्फ प्योरिफिकेशन डिग्निटी ऑफ मैन इक्वालिटी सोशल जस्टिस मॉरल वैल्यूज टॉलरेंस और रूल ऑफ लॉ आता है ये बेसिकली टेनट्स है इस्लामिक सिविलाइजेशन के जो हम एट द एंड डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक सिविलाइजेशन इन पर बेस करती है हमें पता होना चाहिए कि इस्लामिक कल्चर किन चीज़ों पे बना है तो बेसिकली इस्लामिक कल्चर का मतलब हमने कल्चर को डिस्कस किया कि क्या होता है कस्टम ट्रेडिशन प्रैक्टिस बिलीव्स, वैल्यूज आर्ट इफेक्ट्स तो अगर हम इस्लामिक कल्चर की बात करें तो वो कल्चर वो ट्रेडिशन वो प्रैक्टिस वो बिलीव्स जो एडहेयर करते हैं टू इस्लाम जो हमारा रिलीजन है फाउंडेड बाई प्रॉफिट मोहम्मद इन द सेवन सेंचुरी सीई तो ये हमारा क्या है इस्लामिक कल्चर है इस्लामिक कल्चर बहुत डाइवर्स है और इसमें वाइड रेंज ऑफ एथनीसिटीज़ लैंग्वेज ट्रेडिशन आते हैं इसमें आप कोई भी आयात कोट कर सकते हैं कि जो हमारा दीन है हमारा जो इस्लाम है उसमें कोई भी बॉर्डर्स की हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है हम बॉर्डर्स को नहीं मानते हमारे अंदर एक उम्मा का कंसेप्ट है इस्लामिक कल्चर में एक उम्मा का कंसेप्ट है और आप बता सकते हैं कि हमारे अंदर कोई अरबी अजमी किसी को किसी पे कोई फोकियत नहीं किसी काले गोरे को हर काला गोरा गोरा भी हम आमद करा सकता है तो तो काले उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे काला भी इमामत करा सकता है तो गोरे उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे अमीर भी इमामत कराता है तो गरीब उसके पीछे पढ़ते हैं गरीब बंदा भी इमामत कराएगा तो अमीर उसके पीछे पढ़ेंगे तो हमारा जो इस्लामिक कल्चर है वो इक्वालिटी पे बेस है उसके बेसिक टैनट्स पर तो अगर हम अपने की एस्पेक्ट्स बात करें इस्लामिक कल्चर की तो हम इसमें हमारे रिलीजियस बिलीव्स आते हैं इसमें हमारी वर्शिप और रिचुअल्स आती हैं इसमें हमारी एथिकल वैल्यूज आती है इसमें हमारे फैमिली और कम्युनिटी आती है ड्रेस कोड आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर आता है इसी तरह इसमें हमारा कुजीन आता है इसमें हमारी लैंग्वेज आती हैं तो यहाँ से आपको पता होगा चलना चाहिए कि कैसे हमारा जो इस्लामिक कल्चर है वो रिलीजियस बिलीफ पे कैसे है कि जो हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि हम अल्लाह ताला की तौहि पे हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और अल्लाह के बंदे हैं इसीलिए हम ये मानते हैं हम सुरखलास मानते हैं यहाँ पे आप कोट करेंगे सुरखलास कि हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है और ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है इसी तरह हम इसमें बताएंगे कि जो इस्लाम है उसकी जो हम टीचिंग्स को फॉलो करते हैं वो हमारी हॉली बुक ऑफ इस्लाम है कुरान जिसकी हम क्या कहते हैं कि वो डिवाइन हमारा दीन इसलिए है क्योंकि जो कुरान है उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया इसमें आप नहनु इन्ना नाहन नज़्ल नज़िक्र लहू हाफिजून कोट करेंगे जैसे हमारी जो को मैंने आपको वीडियो जो लास्ट वीडियो है उसमें सारी साइटेशन बताई हैं आपने रेफरेंसेज आयात कैसे कोट करनी है कैसे आपने उनको री यूज़ करना है बहुत थोड़ी सी हैं तीस पैंतीस चालीस डिस अच्छे से याद करके उनकी जो क्रक्स है वो आप होल्ड करके ना तो आप अपना पेपर क्या कर सकते हैं एक्सेल कर सकते हैं इसी तरह अगर हम वर्षिप और रिचुअल्स की बात करें तो जो इस्लामिक कल्चर है उसमें जो रिलीजियस प्रैक्टिस आती हैं उसमें तोहैद तो हमने डिस्कस कर ली उसके बाद उसके बाद क्या है नमाज़ फिर क्या है रोज़ा फिर क्या है जक़ात फिर क्या है हज तो ये बेसिकली क्या है हमारे वर्षियप और रिचुअल्स हैं इसी तरह हमारे इस्लामिक कल्चर में जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसमें ऑनेस्टी कम्पैशन काइंडनेस ह्यूमिलिटी जस्टिस ये सारी चीज़ें क्या हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसी तरह इस्लामिक कल्चर में अगर हम फैमिली और कम्युनिटी की बात करें तो इस्लामिक कल्चर में स्ट्रॉन्ग इम्फोसिस है ऑन क्लोज निट फैमिली टाइज कि आपके जो घर वाले हैं आपके जो रिश्तेदार हैं आपकी जो बीवी बच्चे माँ इस्लामिक कल्चर में आप बताएंगे कि माँ का मुकाम क्या है कि माँ के पैरों तले जन्नत है इसी तरह क्या है बाप क्या है उस जन्नत का दरवाज़ा है इसी तरह अगर बहन भाइयों की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा इस पर इम्फोसाइज है हमसायों पर बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज है इसी तरह हम बात करें तो आपसे वसलम ने ख़ुद कहा कि मैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से जो मैं आपके साथ उसके बदले आप मेरे जो किंडर्ड्स हैं मेरे जो हैं उनके साथ अच्छाई करें तो इससे पता चलता है इस्लाम कितना करता है relatives पे इसी तरह हमारी जो इनहेरिटेंस होती है उसमें क्या होता है रिलेटिव्स का भी हिस्सा होता है इन केस किसी के बच्चे नहीं है तो वो क्या हो जाती है विरासत रिलेटिव्स के पास जाती है इससे क्या पता चलता है कि रिलेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा मेंशन कर सकते हैं कि इस्लाम में यह है कि अगर आपके घर में को मोहताज लोग हैं तो आप उनकी पहले खिदमत करें पहले उनकी जो हाजत है वो दूर करें इससे पहले कि बाहर आप अपने सदके के ज़क़ात दें इसी तरह यह है कि इस्लाम में ये सारी चीज़ें इसलिए मैंशन है कि इस्लाम में फैमिली सिस्टम का कंसेप्ट है इसलिए इस्लाम में आपको पता है कि हर मर्द को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे उसका बेहतर सदका क्या है जो उसने अपने घर वालों पर अपना माल खर्च किया जो उसने अपनी बीवी को मुस्कुरा कर देखा वो क्या है उसके लिए स्वाब है तो इससे पता चलता है कि इस्लामिक कल्चर में कंपैशन किंडर्ड से लव और ये सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह ड्रेस कोड की बात की जाए तो आपको पता है कि हेड स्काफ हिजाब और पूरा अबाया अच्छे तरीके से कवर करना है फ़ीमेल्स के लिए मर्दों के लिए भी ये है कि वो भी अपने जो तकरीबन अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करें और अपनी नज़र की हिफाजत करें इस तरह हम आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न रेपसिक्यूज कैलीग्राफी ये सारी बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है इसके अलावा इस्लामिक कल्चर ने बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया इन द फील्ड ऑफ सेरामिक्स टेक्सटाइल्स और मैन और कैलीग्राफी तो ये बेसिकली क्या है हमारे कल्चर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट है इसी तरह इस्लामिक कल्चर में अगर हम कुजीन की बात करें तो हमारे जो कुजीन है वो डिफरेंट रीजन के कुजीन रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी लोकल और ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को और इसी तरह जो हमारी जो डाइट्री अगर हम लॉस देखें तो हम कुछ चीज़ें हैं जो हमें हराम है और कुछ चीज़ें क्या हैं हलाल हैं तो हमारे कल्चर में इस्लामिक कल्चर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि इस्लामिक कल्चर में जो चीज़ हराम कह दी गई है वो जहाँ जहाँ मुसलमान पाए जाते हैं जहाँ जहाँ इस्लामिक कल्चर होगा वो चीज़ क्या है हराम होगी जिसमें शराब की मिसाल है पॉक की मिसाल है और जो चीज़ें हलाल हैं सी फूड हर चीज़ चिकन और मटन या जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह तो वो क्या होंगी हलाल होंगी इसी तरह अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक को एक सेक्रेट लैंग्वेज माना जाता है इस्लाम की जैसे कि कुरान क्या है अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया तो ये क्या है हमारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इसी से पता चलता है कि जो इस्लामिक कल्चर है वो मोनोलिथिक नहीं है इसमें वाइड अरे ऑफ प्रैक्टिस और इंटरप्रटेशन हैं जो रीजनल कस्टम हिस्टोरिकल टेक्स से क्या होती हैं इन्फ्लुस होती हैं और इसी वजह से क्या है कि इस्लामिक कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि वट इज़ इस्लामिक कल्चर अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इस्लामिक सिविलाइजेशन हमें पता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन के बेसिक टैनड्स क्या हैं पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन आई और रही अब बेसिकली हम देखें तो इस्लामिक सिविलाइजेशन इवाल्व हुई है थ्रू अ कम्पलेक्स इंटरप्ले ऑफ रिलीजियस कल्चरल पोलिटिकल एंड फैक्टर्स ओवर द सेंचुरीज जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे अर्ली कैलिफेट्स रही फिर इस्लामिक गोल्डन एज आई फिर स्प्रेड हुआ इस्लामिक सिविलाइजेशन का फिर इस्लामिक एम्पायर्स आए कलोनलिज्म और मॉडर्न एरा तो इसके बाद क्या है अब हमारी कंटेम्प्रेरी इस्लामिक सिविलाइजेशन चल रही है तो यहाँ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंगटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन तो बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के लिए हमने सिर्फ इस्लामिक कल्चर को डिस्कस किया हमने देखा है कि वट इज़ सिविलाइजेशन एंड वट इज़ कल्चर सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या फ़र्क है और क्या इनमें कॉमन है कल्चर बेसिकली एक छोटा सब यूनिट है और उससे क्या बनती है सिविलाइजेशन बनती है इसके अलावा हमने देखा कि सिविलाइजेशन का क्या रोल है ह्यूमन पर्सनालिटी में जब ह्यूमन पर्सनालिटी ग्रो करेगी तो उससे क्या होगा कम्युनिटी ग्रो होगी इसी तरह जब हमने देखा कि करेक्टिस्टिक्स क्या है इस्लामिक सिविलाइजेशन के तोहद सेल्फ प्योरिफिकेशन डिग्निटी ऑफ मैन एक्सेट्रा तो अब हमने बेसिकली जो इस्लामिक कल्चर को डिस्कस किया है कि वट इज इस इस इस्लामिक कल्चर और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर फाइव उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन और फिर हम उसको साथ साथ में क्या करेंगे उसका कंपैरिजन करेंगे विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम देखेंगे कि कैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट किया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इस्लामिक सिविलाइजेशन को इवॉल्व किया हम देखेंगे कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो कितनी मॉडर्न है और फोर्टी हंड्रेड जो यर्स गुजर चुके हैं फोर्टीन जो फोर्टीन सेंचुरीज गुजर चुकी हैं उसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुई और बेसिकली इन दट ट्रू सेंस वट इज़ इस्लामिक सिविलाइजेशन So, this was all for today. So, see you soon with our next video. And till then, stay tuned. Allah Hafiz.